कर्म योगी कृष्ण, पूर्णावतार कृष्ण, कृष्ण से अद्भुत कौन? आज उन्हीं की अविश्वसनीय नगरी द्वारका की अकल्पनीय यात्रा पर चलिए। साक्षात भगवान का वास है। हमको ऐसा लगा जैसे हम भी यहाँ कृष्ण जी से भेंट करने आ गए हैं। ऐसा मूर्ति हमने कभी पहले नहीं देखा। आज समुद्र की उन गहराइयों में, समय की रेत में लिपटा कृष्ण की नगरी का हर पत्थर गवाही देगा। 700 किलोमीटर दूर मिली दीवारें प्रमाण देंगी कोई नगरी हो ऐसे सारे रिमेंस। एक जो कॉमन वॉल है वो आज भी समंदर के अंदर मौजूद है। अभी पानी के अंदर जो अवशेष मिल रहे हैं वो तो 1% भी नहीं है द्वारका का जो ऐश्वर्य था। वो अब तक अदृश्य रहा, अनदेखा रहा, पर हम दिखाएंगे वो जगह जहाँ कभी रहते थे कृष्ण। श्री कृष्ण है, देखो जिसकी जिसकी मन की भावना है, जिसे जैसा जैसा मन में जैसा भाव है वैसे भगवान दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां प्रवेश से पहले ही आप इस ऊंचे ध्वज को देखकर जान सकते हैं कि किस पावन धरती पर आपके कदम पड़ने वाले हैं। यूं तो श्री कृष्ण का जो साम्राज्य है वो सिर्फ इस धरती पर नहीं, हर एक मनुष्य के दिल पर है। लेकिन हम यहां पर उस अदृश्य साम्राज्य को देखने आए हैं, उसे तलाशने आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं, जो धरती की सतह पर ही नहीं बल्कि समुन्दर के तल के नीचे भी है। आइए चलिए हमारे साथ उसी अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय दुनिया में। युग युग के अवतारी कृष्ण महाभारत के बाद कहां गए? वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे। जहां कृष्ण का था राजपाट, वो महल कहां विलुप्त हो गया? और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। जिस साम्राज्य के स्वामी थे कृष्ण, उसके चिन्ह कहाँ हैं? तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ, कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। कहाँ गायब हो गई कृष्ण की नगरी, कहाँ चली गई कृष्ण की प्रजा, और कहाँ गया भगवान कृष्ण का वो संपूर्ण कर्म लोक? हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। रे सामरे, देख आके जरा, सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारका कन्हैया। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती नदी के तट पर सनातनी मान्यताओं के तीर्थ द्वारकाधीश का मंदिर है। पुराण बताते हैं कि सदियों पहले यहीं से कृष्ण भगवान की सत्ता शुरू होती थी। यहाँ का कण कण कृष्ण की कर्म लीलाओं का साक्षी हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ समुन्दर की लहरों का शोर सुनाई देता है। सामान्य मनुष्य तो उन नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती हैं, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती है। कभी कृष्ण के साम्राज्य की दुंदुभी बजा करती थी, हर तरफ कृष्ण थे, सब कुछ कृष्णमय था। गुजरात के पश्चिम में बसे द्वारका शहर की ओर बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीर कर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है, यहाँ से हिंदू धर्म का तपतीर्थ शुरू होता है, यहाँ से द्वारकाधीश का साम्राज्य शुरू होता है। स्वागत है आपका भगवान श्री कृष्ण के कर्म लोक की पावन भूमि पर। कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्वा कर्मणि। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब बैकुंठ लौट गए तब उनकी नगरी भी एक दिन समुन्दर में समा गई।
आज भी समुद्र के नीचे कृष्ण की वही द्वारका मौजूद है। आज भी समुद्र की अनंत गहराइयों में कृष्ण के वैभवशाली राज्य के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। आज हम इस अथाह समुन्दर का मंथन करेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे और खोज करेंगे कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका की। लेकिन समुद्र की गहराई में उतरने से पहले हमने द्वारका की पवित्र भूमि के दर्शन का निर्णय किया। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले बढ़े, फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना गुजरात के द्वारका में आकर की। जरासंध जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके, और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई, और उसमें ये दिखाया कि अब जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जिस स्थान पर कृष्ण ने द्वारका बसाई उसका नाम पहले कुशावती था। श्रीमद् भगवद गीता में भी द्वारका का वर्णन एक विशाल और वैभवशाली राज्य के तौर पर किया गया है। ये है पूरा नगरी सोने की थी, मगर सोना भगवान ने लय कर दिया। क्यों? कि कली आता था, कली का प्रयोजन था कि कलियों में ये सोने के लिए झगड़ा होएंगे, तो भगवान ने लोप कर दिया। तीन भाग डूब गया, एक भाग बचा हुआ है जिसमें यह भेद द्वारका जी का जगह है। द्वारकाधीश मंदिर तो अद्भुत है ही, इसके शीर्ष शिखर पर फहराता ध्वज भी अद्भुत है। दिन में 5 बार सेवादार बदलते हैं तो 5 बार ही ध्वजा भी बदली जाती है। ये समय है कि कम से कम 5 दफा ये ध्वजा बदली की जाती है रोज सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 दफा ध्वजा बदली की जाती है, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 दफा ये ध्वजा बदली की जाती है। फिर भी आने वाले यात्री को कम से कम 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है इस ध्वजा जी को बदली करने में। ध्वज बदलने की प्रक्रिया भी अविश्वसनीय है। ईश्वर से मन्नत मांगने वाले भक्त ध्वज बदलने का संकल्प उठाते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पर वेटिंग इतनी लंबी है कि 3-3 साल में 1 दफा ध्वज बदलने की बारी भक्तों को मिल पाती है। एक बार ध्वज बदलने में 50,000 से 1,00,000 रुपए का खर्च आता है। मान्यता है कि ये ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, यानी जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक श्री कृष्ण है। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। 7 मंजिला इस मंदिर में 72 स्तंभ हैं। चूने पत्थर से निर्मित इस मंदिर ने कई बार आक्रमण झेले हैं, कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन आज भी ये अपने मूल स्वरूप में नजर आता है। ये मंदिर इतना सुंदर है कि इसे त्रिलोक सुंदर यानी तीनों लोकों में सबसे सुंदर कहा जाता है, जगत मंदिर कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर श्री कृष्ण की चतुर्भुजी प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। पुरातात्विक जानकारों के अनुसार मंदिर करीब 2,500 साल पुराना है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान ने करवाया था। द्वारका शहर का वो हिस्सा है जहां से गोमती नदी होकर गुजरती है और समुन्दर में जाकर मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत शिथिल पानी नज़र आएगा, उतनी लहरें नहीं उठती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि नदी और समुन्दर दोनों हैं यहाँ। और साथ ही दिन के समय जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हमने पाया था कि समुद्र का स्तर जो है काफ़ी ऊँचा था, उन सीढ़ियों को भी ढक रहा था, लेकिन शाम होते होते और जैसे जैसे लो टाइड होता है वैसे वैसे समुद्र का पानी पीछे की ओर खींचता है, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। वो
कहीं पर उथली चट्टाने भी होती हैं, वो पत्थर भी होते हैं जिन्हें देखकर ही लगता है कि कुछ पुराने निर्माण का हिस्सा है। लेकिन जो हम लॉस्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जिस अदृश्य नगरी की हम बात कर रहे हैं, उसे देखने के लिए तो पानी में नीचे बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। द्वारकाधीश का मतलब है द्वारका के राजा। ये चार धामों में एक है, सप्तपुरियों में भी शामिल। जब हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे तो एक असीम शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव हुआ। तीन तरफ से जैसे चरण पखारने को व्याकुल थी गोमती की लहरें और समुन्दर का आवेग। समुन्दर की उन्हीं अनंत गहराइयों में कहीं आज भी ठीक वैसी ही ठहरी हुई है श्री कृष्ण की नगरी। आई तो हमेशा मैगजीन से निकलते रहते हैं, 33 का विषय भी है कि समुद्र में एक अभी द्वारिका है। अब उसका आउटपुट अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि हाँ द्वारिका एक समुद्र में भी है। अब उसका रिजल्ट कब आता है, 33 क्या होती है, अभी तो नहीं, लेकिन हम ही बिलीव करते हैं कैसा है। आज हम द्वारका में आए हैं, काफ़ी छोटी उम्र में ऐसा मौका मुझे मिला है कि मैं द्वारका आऊँ, श्री कृष्ण के स्थल पे आऊँ और उनके साथ रूबरू करूँ अपने फीलिंग्स को। मंदिर से समुद्र की ओर बढ़ते हुए हमें पानी के पांच कुएं दिखे, जिनमें से पानी लेकर भक्त बड़ी श्रद्धा से पी रहे थे। चूंकि यहाँ अरब महासागर के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है, हमने जानना चाहा कि वो खारा पानी क्यों पी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसी में यह पांडव कुआं भी देखने को मिलता है, जहाँ पर पांचों पांडवों के नाम का एक एक कुआं है। और ये पानी क्या खारा था? खारा नहीं था, अभी मीठा पानी यहाँ से निकलता है। मीठा पानी निकलते। और देखिए, आप वहाँ पर समुंदर देख सकते हैं, वहाँ पर जैसे ही रेतीला टीला खत्म हो रहा है वहीं पर है समुंदर, और उसके इतने नजदीक पांच कुएं, जहाँ पर जो पांच कुंड हैं उसमें पानी मीठा कैसे आता है? पानी मीठा मीठा है सब कुंड का, पांचों में पांच नदी है। हाँ। पानी का टेस्ट अलग, पांच नदी के पानी है ये। पहला तो है गोमती नदी। हाँ। दूसरा है जम्बुवती। हाँ। तीसरा है कुशावती। हाँ। चार में है चंद्रभागा, पांच में है लक्ष्मणागंगा। हाँ। जी, ये पूर्ण क्षेत्र लंबे समय से लोगों की श्रद्धा और पुरातत्व विशेषज्ञों की कौतूहल का केंद्र रहा है। लेकिन इसका इतिहास जानने का पहला प्रयास 1963 में हुआ। पहली कोशिश में जो चीजें मिली वो करीब 2000 साल पुरानी थी और श्री कृष्ण के काल से कोई सीधा संबंध नहीं जुड़ रहा था। लेकिन 1979 में जब द्वारकाधीश मंदिर के इर्द गिर्द विकास का काम चल रहा था, तब सामने के क्षेत्र की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिनके ईसा पूर्व 2 ईस्वी के होने का प्रमाण था और प्राचीन सभ्यता के जलमग्न होने के संकेत भी मिले। इसी के आधार पर 1981 में उस अदृश्य अनदेखी नगरी की तलाश शुरू की गई जो हजारों साल से सिर्फ किस्से कहानियों और आस्था का ही हिस्सा थी। 1979 में एक एक्सकेवेशन हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, और 2005 से लेकर 2007 तक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने यहाँ पर व्यवस्थित उत्खनन किए और यहाँ प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार 1904 से ये शुरू हुआ और 2007 में एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन किया गया यहाँ के पुरावशेषों का। लेकिन उस जलमग्न नगरी तक जाने से पहले अध्यात्म का एक और छोर समतल धरती पर ही मौजूद था, जहाँ हमें जाना था बेट द्वारका, जो द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर ओखा के आगे एक द्वीप है। कहा जाता है कि द्वारकाधीश वो स्थान है जहां से श्री कृष्ण की सत्ता चलती थी और बेट द्वारका उनका महल था जहां वो रहा करते थे। द्वारका नगरी में पहुंचने के बाद से ही हमें ऐसी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि बहुत उत्साहित हो रहे हैं और कुछ जानने का दिल कर रहा है। जैसे इस वक्त हम जा रहे हैं बेट द्वारका की तरफ, क्योंकि एक तरफ द्वारकाधीश है जो कि आप मुख्य नगर में देखते हैं, जो कहा जाता है वहां पर श्री कृष्ण एक राजा के रूप में रहा करते थे। यहाँ वो महल था जहाँ अपनी रानियों के साथ वो वास करते थे। वहां पर बहुत सारे निशान बताए जाते हैं श्री कृष्ण के, आज भी मौजूद हैं। तो हम भी बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि वहां पर हम पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है।
ओखा से लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। ये मेरे पीछे जो आप द्वीप सा देख रहे हैं इस वक्त, यही वो इलाका है और यहाँ करीब करीब बताया जा रहा है कि 10,000 की आबादी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मछुआरे हैं और उसके जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पर्यटन पर भी निर्भर हैं क्योंकि कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए और इस धरती से अपने श्री कृष्ण को पाने के लिए। मान्यता है कि जहां आज द्वारकाधीश मंदिर है वहां से कृष्ण अपना शासन चलाते थे और बेट द्वारका वो जगह है जहां कृष्ण का महल हुआ करता था। बेट द्वारका से क्या द्वारका नगरी जुड़ी हुई? हाँ जी, बेट द्वारका और द्वारका नगरी दोनों एक ही दर्शन है। द्वारका नगरी है भगवान का राजधानी है और बेट द्वारका है भगवान का रेसिडेंट है। ये द्वारका जी है वो भगवान का घर है। गोमती द्वारका भगवान का राज दरबार है। जैसे अपना ऑफिस और घर अलग रहते हैं उसी से ठाकुर जी द्वारका जी में रहते थे। अच्छा। यहाँ द्वारका जी में राज करते थे, यहाँ रहते थे। मतलब वो ऑफिस और ये घर, ऑफिस है, ये घर है। इसी महल में उनसे मिलने उनके बाल सखा सुदामा आए थे। मैं तो पहले से जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी, कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। इसीलिए आज भी प्रसाद स्वरूप भक्तों को कच्चा चावल दिया जाता है। भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर शहर से मिलने यहाँ आए, द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे, सुदामा जी को विराजमान किया, क्या किया, हाय महा दुख पायो सखा तू कि आयो नहीं इतने दिन खोई, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। महाभारत युद्ध के दौरान मदद मांगने अर्जुन और दुर्योधन भी इसी महल में आए थे। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूँ। यहीं से कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। मुख्य द्वारका और बेट द्वारका दोनों श्री कृष्ण के साम्राज्य के अहम भाग हुआ करते थे। जब द्वारका समुद्र में डूब गई तब शायद ये दोनों हिस्से अलग हो गए और बेट द्वारका एक द्वीप जैसा दिखने लगा। वहाँ जाने का कोई रास्ता भी था? यहाँ से वहाँ जाने का अंडरग्राउंड साधु संत लोग जाते थे। हाँ। लेकिन बीच समुद्र में बसी हुई बेट द्वारका है और बेट द्वारका से 30 किलोमीटर मेन द्वारका है। हाँ। तो आज तो हम लोग जैसे बोट से आ जाते हैं, लेकिन तब कैसे जाते होंगे, या तो समुंदर ऊपर नहीं था? पहले नाव से, द्वारका जी में भी नाव से जाते थे। और साधु संत और श्री कृष्ण जी कैसे जाते होंगे? श्री कृष्ण जी अपना हवाई जहाज है गरुड़ के ऊपर। अच्छा, जैसे अभी लोग हवाई जहाज में आते हैं उसी समय में गरुड़ के सवारी करके भगवान घर पधारते हैं। अच्छा, आप एक गुप्त गुफा की भी बात कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, गुप्त गुफा है, बहुत हजारों साल पुरानी है, तभी साधु संत लोग अंदर जाते थे, लेकिन अभी क्लोज करके रखा है। अच्छा, पर वो है, है, है। द्वारका का नाम अगर द्वार से जुड़ा है तो बेट द्वारका का नामकरण भी बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे जो कहानी है वो बताती है कि बेट द्वारका दरअसल भेंट द्वारका का अपभ्रंश है। द्वारका और बेट द्वारका के बीचों बीच के समुद्री पानी में ही प्राचीन प्रमाण आज भी मौजूद हैं। गुजरात के ही सोमनाथ के पास लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है भालका तीर्थ। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये का तीर लगा था। घायल भगवान कृष्ण वहां से कुछ दूरी पर एक हिरण नदी के तट तक गए और वहां से बैकुंठ चले गए। हिरण नदी के किनारे पर आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद होने की बात कही जाती है। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं।
जो आप पेड़ देख रहे हैं पीपल का, वो पुराना है, 5115 साल हो गए। भगवान यहीं पर लीला पूरी की और सोमनाथ त्रिवेणी संघ जाकर भगवान ने अपना शरीर छोड़ा। वो जगह को गोलोक धाम कहते हैं, इनको भालका तीर्थ कहते हैं, जहाँ भाला लगा था। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने यदुकुल के उद्धार के लिए ये प्रभास क्षेत्र में पधारे हैं। भगवान ने अपने समस्त परिवार का उद्धार यहीं पे किया है, अपने देह का त्याग भी ये भूमि में किया है, इसलिए ये भूमि को देहोत्सर्ग कहा जाता है। यानी ये पूरा क्षेत्र ही अद्भुत है, लेकिन सबसे अद्भुत है समुद्र के नीचे की वो सच्चाई जिसे देखने के लिए आज हम समुद्र की उन गहराइयों में उतरेंगे। वहाँ द्वारका के अवशेष हजारों वर्षों से बिखरे हुए हैं। उन अवशेषों को एक सूत्र में बांधेंगे और पहली बार सामने लाएंगे द्वारका का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संपूर्ण सत्य। आस्था को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं रही, लेकिन शायद ये प्रमाण खुद श्री कृष्ण देना चाहते हैं और इसीलिए एक एक कर ये सारी चीजें दुनिया के सामने आती ही रहती हैं। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर 36 साल तक शासन किया था, लेकिन क्या हुआ उनके बाद ये जानना भी दिलचस्प है। तो है पर आसान बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि इतने सालों में पुरातत्व वेता मुश्किल से चंद कदम चल पाए। जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण की जलमग्न नगरी के संकेत मिले हैं, वहां समुन्दर की गहराई 150 फीट तक है, यानी पानी के सतह पर रहते हुए किसी भी तरह की पड़ताल संभव ही नहीं। और पानी के नीचे उतनी गहराई तक कोई डाइविंग एक्सपर्ट ही जा सकता है या फिर जाने की ट्रेनिंग दे सकता है। हमें बताया गया कि शांति भाई बंबानिया यहाँ कुछ दशकों से स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण देते हैं, यहाँ तक कि समय समय पर आने वाली शोध टीमों को भी सपोर्ट करते रहे। 80s में पहली बार जाकर देखा गया कि कुछ ऐसे ऐसे पत्थर हैं, ऐसे अवशेष हैं, जिसे लगा कि वो द्वारका नगरी हो सकती है, उसका महल का हिस्सा हो सकता है, जिसके बाद बहुत मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। आप जब नीचे जाते हैं तो आप क्या देख पाए हैं? पहली बात तो ये कि वो 1988 में जी, और सबसे पहले यहाँ वो ओशियनोग्राफी गोवा से लोग आए अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर एसआर राव, नाउ इज नो मोर, बट ही स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन ही एक्सप्लोर एंड दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ एंशियंट द्वारका। कितना नीचे जाना पड़ता है? इट इज नॉट मच, यू कैन से नियरली बिटवीन 60 to 80 feet। 60 टू 80 फीट नीचे जाने पे दिखता है ऐसा कुछ की अवशेष? यस यस, रिमेन्स आर देयर स्टिल अंडरवाटर। कोई नगरी हो ऐसे सारे रिमेन्स है पहले का, यहाँ मीन्स कृष्ण लिव्ड देयर इन सम डेज, कभी कृष्ण रहते थे वहाँ पर, वहाँ रहते थे। तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है देखने में, लोग आते हैं इसका। एज आई हैव बीन, मैं कर रहा हूँ ये 10 साल से, तो बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, मगर लोगों को हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एक तो वो अभी इट इज एंटायरली कंट्रोल बाय द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इज नॉट, वो रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो रिसर्च ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कैसे वो करना है लोगों के लिए कैसे। अभी वैसे वो गवर्नमेंट होल्डिंग है ऑल दिस, तो लोगों को नहीं ले जा सकते। बहुत सारे इंक्वायरी फॉरेन से भी आते हैं, मगर सिंपली आई से देम नो बिकॉज आई कैन नॉट टेक देम, आई नो व्हाट इज वेयर बट जस्ट आई कैन नॉट। आपने जो देखा है वो जानना चाहेंगे आपसे, आपने जो देखा है वो वहाँ एक वॉल अभी दिख रहा है बहुत चौड़ा, जैसे कि पुराने जमाने में केसल हुआ करते थे टाउन के गीत
तो वैसे बहुत चौड़ा होल दिख रहा है वहाँ, और भी रिमेन है, और वो पूरा स्केटर्ड है बहुत सारे एरिया में। हाँ, तो मतलब उनके लिए क्वालिफाइड स्कूबा डाइवर होना चाहिए, तभी जा सकते हैं। शांति भाई पहले तो हमें डाइविंग के लिए ले जाने से कतराते रहे, लेकिन लंबी बातचीत के बाद आखिरकार वो प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो ही गए। प्रशिक्षण के तहत पहले मुझे इस नली के जरिए सांस लेने की प्रैक्टिस करनी थी। नाक को ढककर पानी के नीचे इसके जरिए मुंह से सांस लेना था। इसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। करीब आधे घंटे तक लगातार ऐसा करने के बाद हम अगले पड़ाव की ओर बढ़े। दूसरा पड़ाव ठीक द्वारकाधीश मंदिर के सामने का हिस्सा था। यहाँ की गहराई बमुश्किल 20 फीट रही होगी। सांस लेने के लिए अभी भी उस नली का ही सहारा लेना था, यानी स्नॉर्कलिंग के जरिए ही ये करना था। पानी के नीचे भक्तों द्वारा विसर्जित कलश नजर आ रहे थे, झुंड में तैरती मछलियां दिख रही थी। ये नजारा अपने आप में अद्भुत था, लेकिन ये वो तस्वीर नहीं थी जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो अब शुरुआती तैयारी के बाद, शुरुआती ट्रेनिंग के बाद, हम जा रहे हैं उस ओर जहां पर अब समंदर में थोड़ी सी और गहराई में उतरेंगे, जिसके बाद आगे फिर हम अगले हिस्से की तरफ पहुंचेंगे। हाँ मैडम, ना आपने ये सीख लिया स्नॉर्कलिंग, आप ऑलमोस्ट रेडी हैं अंदर जाने के लिए। फिर भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे हम स्नॉर्कलिंग का, थोड़ा फीस दिखेंगे, आप वोटर को यूज्ड टू हो जाओ, बाद में हम आपको अंडर वोटर ले जाएंगे, और हम आपका हमारा ड्राइवर आपके साथ रहेगा। यू आर वेरी मच सेफ, सो डोंट वरी। इस पड़ाव को भी सफलता से पार करने के बाद शांति भाई हमें असली जगह ले जाने को तैयार हुए। ये इलाका तट से काफी आगे की ओर था और यहाँ की शुरुआती गहराई थी 50 से 70 फीट के बीच। मुंह से निकलना नहीं चाहिए। एक बार इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि कानों में दबाव के कारण तेज दर्द होता है। अब सांस की नली की जगह पीठ पर ऑक्सीजन टैंक लादना था। इस भारी भरकम टैंक में 1 घंटे का ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। हालांकि यहाँ भी सांसें नाक से नहीं मुंह से लेनी होती। कमर पर एक बेल्ट बांधा जाता है जिसमें लोहे का वजन डाला जाता है ताकि शरीर पत्थर की तरह नीचे की ओर जाए। नियम है कि डाइविंग के लिए कोई अकेले नहीं जाता। मेरे साथ भी एक प्रशिक्षित डाइवर पानी में उतर रहे। हर डाइवर के जैकेट से एक रस्सी बांधी जाती है जिसका दूसरा सिरा बोट पर बैठे लोगों के पास रहता है। इमरजेंसी में इसे 3 बार जोर से खींचने पर ही ऊपर की ओर खींचा जाता है। पानी में तस्वीरें लेने के लिए मैं वाटरप्रूफ कवर में खास गोप्रो कैमरा लेकर गई। पूरी तैयारी के बाद अब उस आदेश का इंतजार था जिसके बाद बिना पीछे की ओर मुड़े गहरे समुन्दर के पानी में छलांग लगा। जैसे जैसे शरीर नीचे की ओर जा रहा था, कान के पर्दों पर दबाव हद से अधिक बढ़ता जा रहा था। अपने ही सांस के बुलबुले कुछ देख पाना मुश्किल कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण की उस अलौकिक नगरी को देखने की उत्सुकता हर दर्द पर हावी थी। लोहे के वजन के कारण भारी शरीर जब समुद्र तल पर जाकर टिका तो आसपास अविश्वसनीय दृश्य था। एक ऐसा लोक जो किसी दूसरी दुनिया का प्रतीत होता था। रंग बिरंगी मछलियां छू छू कर निकल रही थी, लेकिन हमारी नजरें तो उन दीवारों को ढूंढ रही थी जहां कभी श्री कृष्ण का वास था। समुद्री पौधों की परतों से तल ढका हुआ था, इसीलिए शुरुआत में ये एहसास ही नहीं हुआ कि वहां क्या है। लेकिन जब उन पौधों के नीचे झांकते पत्थरों को ध्यान से देखा तो लगा वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित ढांचे का हिस्सा है। चूंकि हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं, हमने केवल वो तस्वीरें ली ताकि सतह पर आने के बाद जानकारों से उसका विश्लेषण करा सके। सतह पर तैरती नाव से बहुत दूर तक जाना सही नहीं था, लिहाजा लगभग 100 मीटर की गोलाई में ही हम अपनी पड़ताल करते रहे। लगभग आधे घंटे का समय पानी के नीचे बिताने के बाद उस दायरे की पूरी तस्वीर तो देख ली, लेकिन सही कहें तो मन नहीं भरा। पृथ्वी की परतों के तले समुद्र के तह में ये एक ऐसा तिलस्मी लोक था जहां सदियों सदियों पूर्व न जाने कैसी जादुई सत्ता रही होगी।
आंखों के सामने देवलोक की वो अकल्पनीय तस्वीर तैर गई, पर अब असली दुनिया में जाने की बारी थी। मैंने रस्सी को पूरा जोर लगाकर खींचा और ऊपर की ओर तैर गई। समुद्र के नीचे की एक तस्वीरें होती हैं जो कैमरे में कैद होती हैं, और दूसरी वो तस्वीरें होती हैं जो आपकी आंखों के जरिए आपके जहन में कैद हो जाती हैं हमेशा के लिए। जब आप पानी के नीचे जाते हैं, या यूं कहूं कि जब मैं पानी के भीतर गई, तो शुरुआत में तो कुछ देर आपके कानों पर इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि आपको खुद समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आप एक प्रशिक्षक के साथ रहते हैं इसीलिए उस आत्मविश्वास के साथ नीचे जाइए, और जब एक एक चीज़ें खुलकर सामने दिखने लगती हैं, जब उन मछलियों के साथ, उस रेत के साथ, उस रेत के पीछे का जो समय है वो आपकी आँखों के सामने घूमने लगता है, तब आपको लगता है कितना भी समय यहाँ इस समुद्र के नीचे समुद्र के पानी के साथ बिता लें आपको कम ही लगेगा, क्योंकि वो पूरा वक्त, वो सदियां आप एक एक कर समेटते जाते हैं अपने साथ। 1981 के बाद के दो दशकों में यहां समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर काम हुआ। इसकी चर्चा तो खूब हुई, लेकिन ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। दो तरह की थ्योरी सामने आने लगी, एक जो समुद्र के नीचे के निर्माण को प्राचीन मान रहा था, और दूसरा जो इससे सहमत नहीं था। इस टीम का हिस्सा रहे पुरातत्ववेत्ता आलोक त्रिपाठी अब असम में हैं। हमने उनसे इस प्रयास के बारे में जाना। एक बहुत बड़े क्षेत्र में वहां पे पुरावशेष बिखरे हुए हैं, तो हम लोगों ने एक 200 मीटर का इलाका सेलेक्ट किया समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, और उसका हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया, और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में अवशेषों की स्टडी के बाद हम लोगों ने एक 50 मीटर बाई 50 मीटर का क्षेत्र जो है वो सेलेक्ट किया डिटेल्ड स्टडी के लिए, और उस क्षेत्र में हमको मकानों के अवशेष प्राप्त हुए जो कि पत्थर के ब्लॉक्स हैं मेनली, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो इस अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइज के हैं, काफी बड़े साइज के हैं। 6 वर्षों के ब्रेक के बाद जब 2007 में एक बार फिर द्वारका में काम शुरू हुआ, तो नियोजित ढंग से अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, दीवारों पर नंबरों के साथ ग्रिड लगाए गए, निर्माण में उलझे पौधों को एक एक कर हटाया गया, लेकिन समुद्र के खारे पानी में सदियों से जलमग्न पत्थरों पर कैल्शियम युक्त कठोर जमाव था, इसे साफ करना बहुत कठिन था। एक बार ये साफ हुआ तो आकृति स्पष्ट होने लगी। काम चल ही रहा था कि टीम को यहां से वापस बुला लिया गया, क्योंकि देश में मरीन आर्कियोलॉजी का एक ही दस्ता है, 10 साल बीतने के बाद भी यहां काम आगे नहीं बढ़ पाया है। सीमित क्षेत्र में एक 50 मीटर बाई 50 मीटर के एरिया में हम लोगों का अन्वेषण जो था वो मूल रूप से केंद्रित था, तो समुद्र के अंदर काम करना एक बहुत ही दुष्कर है, और समुद्र बहुत विशाल है, और अंदर जब हम काम करते हैं तो एक व्यक्ति जो है बहुत ही सीमित समय तक वहां काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। ये क्षेत्र सीधे तौर पर लोगों की आस्था से जुड़ा है। कृष्ण की जिस नगरी के संकेत सदियों से लहरों में समाये हैं, उन्हें अगर फिर संजोया जाए तो वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। वैसे राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में वाटरप्रूफ सीसीटीवी के जरिए द्वारका नगरी में पानी के नीचे की तस्वीरों का सीधा प्रसारण तट पर किया जाएगा। पहले किसी को इसमें अधिक रुचि नहीं थी, यहाँ पर दर्शनार्थी आते जरूर थे, आस्थावान आते जरूर थे, श्री कृष्ण के दर्शन करते थे, लेकिन जब 1980 के दशक में ये पता चला कि समुद्र के नीचे भी एक ऐसी नगरी है जो द्वारका का ही हिस्सा थी, जो एक लॉस्ट सिटी के तौर पर जिसे देखा गया, उसके बाद शोधकर्ताओं ने दिलचस्पी लेनी शुरू की। हालांकि अभी भी बहुत काम की जरूरत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वो द्वारका में आकर बसेंगे, तो समुद्र से उन्होंने जमीन मांगी, समुद्र ने पीछे हटकर उन्हें धरती का ये हिस्सा सौंप दिया। लेकिन जब बाद में उन्होंने मानव शरीर को त्यागा और बैकुंठ धाम के लिए रवाना हुए, तो कहते हैं समुद्र ने वापस धरती का वो हिस्सा ले लिया।
प्राचीन काल में कई द्वारों का शहर होने के कारण इस स्थान को द्वारका कहा जाता था। शहर के चारों ओर सैकड़ों मीटर लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई द्वार थे। समुद्र के नीचे जो मानव निर्मित दीवारों का ढांचा है, माना जाता है यही वो दीवारें हैं जो कभी द्वारका को घेर कर सहेजे रखती थी। द्वारका एक सिटी नहीं थी, द्वारका एक छोटी सिटी नहीं थी, द्वारका एक नगर था। कृष्णा ने जब मथुरा से यहाँ पर माइग्रेट किया पूरा जब एरिया, तो उस वक्त एक शहर से कंसर्न नहीं था, वो पूरा एक नगर था। पूरा एक नगर जो था उसके अलावा पूरा एक स्टेट था। तो वो जो स्टेट था वो स्टेट यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ कदम बन यानी भरूच तक वो उनका एरिया था और उससे भी आगे थोड़ा था, तो वहां तक वो पूरा फैला हुआ एरिया था। लेकिन केवल समुद्र के नीचे दिखने वाला निर्माण ही अद्भुत नहीं है। ताजा रिसर्च में सामने आया है कि दीवार के अवशेष काफी आगे तक फैले हैं। ये दीवार द्वारका से शुरू होती है और सूरत के डभारी तक पहुंचती है। वहां के पास के समुन्दर में भी उसके हिस्से पाए गए हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वो दीवार कम से कम 700 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली थी। यहाँ से लेके द्वारका तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उसके लिए एक वेबसाइट अपने यूट्यूब पे वीडियो भी जारी किए हैं। एक जो कॉमन वॉल है जो द्वारका डभारी से लेके द्वारका तक पूरी लंबी खींची हुई थी, और दैट वॉज कंपाउंड वॉल। हम जैसे कंपाउंड वॉल बोलते हैं, ऐसी एक कंपाउंड वॉल थी वो नगर की, और वो आज भी समंदर के अंदर मौजूद है। ये इसकी अगर हालत देखे या कंडीशन देखे तो आज जैसे जर्जरित मकानों की कैसे हालत है, कहीं कहीं बीच बीच में टूटी हुई भी है, लेकिन एक कंटिन्यूटी में आज भी वो दीवार समंदर के अंदर है। इस रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण विस्तृत राज्य था जिसके राजा श्री कृष्ण थे। कृष्ण जीवन का सार सिखाते हैं, व्यर्थ की चिंता व्यर्थ के डर से मुक्त करते हैं, भविष्य की जगह वर्तमान में जीने का पाठ पढ़ाते हैं, कर्म का सबसे बड़ा मर्म समझाते हैं। पर आज श्री कृष्ण की निशानियों के साक्षात दर्शन के लिए आवश्यक हो चला है कि समुद्र का मंथन एक बार और हो, जो काम शुरू किया गया है उसे निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। जब ईश्वर की बनाई दुनिया इतनी अद्भुत है तो उनका अपना साम्राज्य अद्भुत क्यों नहीं होगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।